everybody, welcome back to my channel. So this is Muskan and I hope you are doing great. So today's video is all about my new house warming and Quran Khani. So we did Quran Khani first and then after that we moved into our new house and we did house warming. So if you are interested in this video, then please keep on watching this video till end. So yes, let's get started with this video. तो गाइस अभी हम लोग आए हैं शॉपिंग करने के लिए. सो चावल जो भी चाहिए था वो सब ग्रॉसरीज हम लोगों ने ले लिए हैं. अरहम अरहम चुप चोर. यस गाइज, अभी बहुत ही बैड मूड में हूँ मैं. बस अभी जाएंगे हम लोग घर. शॉपिंग ऑलमोस्ट हो चुका है. सो अभी जाएंगे बिलिंग करवाने. सो आई विल सी यू सून. सो गाइज, दिस इज समथिंग न्यू बिकॉज मैंने कभी डेट्स पिकल नहीं ट्राई किया है. आई हैव ट्राइड अदर पिकल्स, बट अगर आपने ट्राई किया तो नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए. सो अभी मैं करवा रही हूँ बिलिंग. सो माशाल्लाह बहुत सारे आइटम्स हम लोगों ने ले लिए थे, बट यू नो हम लोगों ने सोचा बिरयानी घर पे ही बनाया जाए, तो इसलिए हम लोग आ गए थे मैं और भाभी शॉपिंग करने के लिए ग्रॉसरीज. सो अभी आप देख सकते हो हमारा बकरा, इसका होगा कुर्बानी. तो हमने बकरा कुर्बानी के लिए दिया था. माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है ये. और अभी हमारे जो भी सामान वगैरह जो ज़रूरत है वो अभी शिफ्ट हो रहे हैं. सो गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. सो अभी टाइम हो रहा है कुछ 7:30. तो अभी हम नीचे रुके हैं बिकॉज़ वी आर वेटिंग फॉर अ कैब. और मम्मी भाभी आयत सब चले गए ऑलरेडी. तो अभी हम जाएंगे दूसरे कैब में. अभी हम अपने पुराने घर के पास से अपने नए घर के पास जाएंगे. आगे मैं बताती हूँ हम वहाँ पे जाके क्या करने वाले, क्योंकि आज मैंने जैसे कि बोला हमारे घर में कुरान खानी है. हम सबसे पहले कुरान खानी करवाएंगे, उसके बाद हम अपने नए घर में शिफ्ट होंगे. सो यस, तो आप सब देखिए हम कैसे करते हैं घर पे अपने कुरान खानी. तो गाइस अभी अरहम कुरान टच कर रहा है, क्योंकि पापा और अरहम जो भी भाई वगैरह थे सब कुरान लेके आ गए. सबसे पहले कुरान हम लोगों ने रखा घर पे, उसके बाद जो है हम लोग जो भी सामान वगैरह दूसरा था वो शिफ्ट किए. क्योंकि हमारे में सबसे पहले अगर कुछ नया घर लेते हैं तो सबसे पहले कुरान लाते हैं, उसके बाद ही जैसे आप देख सकते हो मेरे भाई कुरान लेके जा रहे हैं. सॉरी, कुरान नहीं है वो, फ़ोटो फ्रेम्स हैं जो अल्लाह के और मक्का का जो फ़ोटो फ्रेम होता है कुरान का वो है. हेलो गाइस, सो अभी मैं हूँ अपने रूम में और अभी हम अपने नए घर में हैं. तो आयत भी मेरे साथ है. सो मेरा हमेशा किड सेक्शन होता है, हैव टू यू नो लुक आफ्टर देम. सो अभी मैं आयत और अरहम को संभाल रही हूँ. अरहम यहाँ पे झूले में है एज यू कैन सी. सो कुरान खानी हो गया है और काफ़ी अच्छे से हुआ, माशाल्लाह बहुत ही बढ़िया हुआ. जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उससे काफ़ी अच्छा हो रहा है. तो यस, काफ़ी अच्छे से उन्होंने दुआ किया. और जैसे कि हमारा फर्स्ट न्यू हाउस है तो हम लोगों ने सोचा कुरान खानी करवाने के बाद ही हम जो है घर में शिफ्ट होए. सो सबसे पहले कुरान आया, उसके बाद कुरान खानी हुआ और उसके बाद अभी हम लगे हैं लंच के प्रिपरेशंस पे, क्योंकि अभी गेस्ट वगैरह सब आएंगे तो उनके लिए भी देखना है कि लंच में क्या बनेगा. और हम लोग एक्चुअली बाहर से बात किए थे, बट आई रियली डोंट लाइक बैंगलोर बिरयानी बिकॉज ऑब्वियसली जब आप हैदराबाद से बिलोंग करते हो तो चांस ही नहीं कि आपको कहीं और की बिरयानी पसंद आ जाए, राइट. सो हम लोग अभी सोचे कि हम लोग खुद ही बना लेते, क्योंकि यू नो बैंगलोर की बिरयानी इतनी खास नहीं होती. सो हम लोग अभी घर पर बिरयानी बना रहे हैं. कितना के जी का बन रहा है आई डोंट हैव एनी आइडिया, बट नीचे काम चल रहा है तो मैं आपको दिखाती हूँ. सो गाइज, अभी हम लगे हैं लंच के प्रिपरेशन पे. सॉरी हम नहीं, मेरी फैमिली मेम्बर्स, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं आराम फरमा रही थी. सो यस, अभी आप देख सकते हो मेरे घर के सामने जो सेटअप लगा है, मिन टेंट कह लो या शामियाना कह लो. सो लंच वहीं पे होगा, क्योंकि हम लोगों ने बुलाया तो था करीब 50 मेम्बर्स को, बट आए बहुत कम लोग थे क्योंकि कोविड था. सो अनियंस कट हो चुके हैं, अभी इसको हम पकाएंगे.
जो मेरे डैड हेल्प कर रहे हैं यहाँ पे, और मेरे डैड भी कामचोर है वैसे, आई डोंट नो वो कैसे वो मान गए, बट हाँ जस्ट किडिंग, ऐसे जब काम होता है तो मेरे डैड बहुत हेल्प करते हैं, टू बी ऑनेस्ट बोलना पड़ता है ऐसे। सो या यहाँ पे सेटअप लगा हुआ है, आप देख सकते हो, क्योंकि हम लोग को बाहर घूमना ना पड़े ज़्यादा, हम लोगों ने पास में ही रख लिए थे टेबल्स में। सो यहाँ पे हम लोगों ने चेयर वगैरह लगाया है, टेबल्स हैं, और लोग जब खाना खा रहे थे मैंने तब फिल्म नहीं किया क्योंकि यू नो अच्छा नहीं लगता। सो ये बना था मटन बिरयानी, दालचा दही का रायता और चिकन कबाब, और मीठे में बना था डबल का मीठा और कई सारे स्वीट्स थे। सो यस, अभी हम करते हैं गिफ्ट अनरैप, और यस ये बहुत ही सुंदर गिफ्ट है, यू कैन सी माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है ये। सो दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट वी हैव एवर रिसीव्ड एंड दिस इज़ द सेकेंड वन, एंड ये सारे गिफ्ट्स के लिए एंड आपके प्यार के लिए, आपके ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू सो मच एंड लव यू आयत, एंड माय डार्लिंग इज़ लुकिंग सो क्यूट हियर। सो आयत किस कर रही थी मुझे पता नहीं क्यों, या सो दिस इज़ सच अ लवली गिफ्ट, आप देख सकते हो इसका जो बॉडी है कितना अच्छा लग रहा है, मीन दिस इज़ समथिंग न्यू, सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी क्लासी लगा। सो दिस इज़ द थर्ड वन, एंड आप गेस करिए ये क्या हो सकता है। वेल दिस इज़ अ यूजफुल थिंग एंड लव यू बेबी। सो दिस इज़ द वॉल क्लॉक एंड बहुत ही क्लासिक लग रहा है ये। सो दिस इज़ माई फेवरेट वन बिकॉज ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था एंड फाइनली मुझे मिल गया। सो यस, आप गेस करके बताइए, और आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कौन सा अच्छा लगा सबसे ज़्यादा। मुझे तो अच्छा लगा ये सैंडविच मेकर। सो यस एंड या डू लाइक दिट। सो गाइज, अभी हम करेंगे रसम। मेरी दीदी हम लोगों के लिए कपड़े बनाए और उन्होंने लाइक रसम किया छोटा सा, हमारा घर का रिवाज है। सो गाइज, अभी फंक्शन हो चुका है और सब जा चुके हैं, तो अभी आई थिंक टाइम हो रहा है 1 AM। सो अभी डैड के लिए छोटा सा सरप्राइज है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ क्या सरप्राइज है। सो गाइज, मेरे पापा के लिए एक छोटा सा सरप्राइज है, और सरप्राइज बस ये था कि हम लोगों ने केक कट किया, तो इस पर लिखा है हैप्पी हाउस वार्मिंग। सो यस, पापा ने केक कट किया और वो सबको खिलाए, फिर हम बस सोने चले गए उसके बाद। सो दैट वॉज इट गाइज, आप मुझे नीचे कॉमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। So finally we bought our new home. So hi friends, आपको कैसा लगा? मुझको या बहुत अच्छा लगा बेटा। Okay, मेरा बेटा, मेरी लड़की, I love my children. Okay, so do you wanna say something to my subscribers? I have no words to say. That's it. Okay. Because I'm very happy. So. And very tired, actually. So, okay guys, so that's pretty much it for today's video. So yes, आज का vlog खत्म होता है यही पे. तो I'll meet you soon in my next video. So till then, bye, take care, subscribe my channel. So guys, finally house warming बहुत अच्छे से हुआ माशाल्लाह, और yes. हम लोग जितने लोगों को समझे उतने लोग आए नहीं थे, बट स्टिल बहुत अच्छे से हुआ फंक्शन, और कुरान खानी भी बहुत अच्छे से हुआ। यस, सो दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग, एंड आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर लव्ड वंस, एंड यस प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल गाइस।